मैम लोग तो बहुत सारा पढ़ के आए हैं और बहुत मास्टर हैं अपनी अपनी फील्ड में। मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ के आई हूँ। मैं फर्स्ट, ये मेरी अकल की क्लास है, लेकिन मेरा इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हुआ है सर। वॉच के साथ 3-4 मिनट अगर मैंने बिता दिए तो बहुत सारी चीजें मैं बता देती हूँ उसके बारे में, जो मुझे खुद को नहीं पता चलता कि मेरे माइंड में कैसे क्लिक हुई, बट वो समहाउ वो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुआ है। लाइक आपने जो पढ़ाया है वो तो याद रहता ही है, बट देयर समथिंग जो इंट्यूशन डेवलप हो गया है वॉचेस देख देख के, एंड बहुत मतलब बिना बैकग्राउंड होने के ऑकल्ट में फिर भी इतना अच्छा हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी। और मैंने जो पर्सनल कंसल्टेशन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी लिए हैं और मैं आगे भी लेती रहूंगी, तो उनमें सब में बहुत फायदा हुआ है। और आपके रेमेडीज बहुत जल्दी असर करते हैं और बहुत सिंपल होते हैं पर बहुत जल्दी असर करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ ये सब जी, सर, ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ गुरु सर। सच्ची हमने कोई पिछले जन्म में ना बहुत दान पुण्य किए रहेंगे, जैसे आप जैसा गुरु मिला सर। थैंक यू थैंक सो मच सर। और सर आप जितने भी आप कोशिश करोगे ना, मैं तो हर कोर्स में रहने वाली हूँ सर। मुझे इतना अच्छा लगा आपका टीचिंग सर, माइंड थैंक यू, ब्लोइंग। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। सर मुझे परमिशन है कुछ बोलने की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब सब लोग तो बहुत सारे मतलब गुरु से मिलकर आए हैं, मैं तो फर्स्ट आपसे ही मिली हूँ और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मीन्स 4-5 साल से बहुत कुछ, मतलब मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छे से आ गया सब कुछ। सीखती तो मैं हूँ लेकिन वो भी, और सर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। जो जितनी भी आप चीजें बताते हो सर, मेरे साथ भी ना तानिया मैम की तरह ही होता है। मैं घड़ी देखती हूँ, 3-4 मिनट देखती हूँ सर, मुझे फिर पता नहीं अपने आप अंदर से बहुत सारी चीजें आती हैं, पर सर एकदम से नहीं आता। जैसे देखा ना आप प्रेडिक्शन करते हैं, देखते के साथ ही आप बोल देते हैं, वो चीज मेरे साथ नहीं होती। पर सर पता नहीं कुछ डीप चीजें निकल निकल के बाहर आती हैं। अब पता नहीं सर ऐसा क्यों होता है, पर इमीडिएट नहीं होता, 2-3 मिनट रुकना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर कि मुझे आप थैंक जैसे यू, मिले। थैंक यू और शालिनी, थैंक यू। मैं शालिनी के बारे में एक छोटा सा मैं ही बताना चाहूंगा। शालिनी, आई थिंक 5 ईयर्स हो गए होंगे ना आपको जुड़े? हाँ जी हाँ फाइव जी हाँ जी ईयर्स ये ना स्टार्टिंग में ना एक घर में रहते थे, ये रेलगाड़ी के डब्बे के जैसा, ठीक है? वो 20 बाई 60 का था शायद। और कितने साल से रह रहे थे वहां पे? हाँ, 90/20। 20 बाई 90। अब आप लगा, मतलब आप सोच लो कि कैसा होगा, 20 बाई 90, मतलब एक रेलगाड़ी का डब्बा हो गया वैसा। और ये लोग ना आई थिंक 12 या 10 साल से रह रहे थे। कितने साल से? हाँ जी सर 11 ईयर। 11 ईयर से। मैंने कहा था ये रेमेडी लगा लेना, विद इन अ 1 टू 2 ईयर में घर चेंज हो जाएगा। इन्होंने कहा था पॉसिबल ही नहीं है, ना मेरी मम्मी जाएगी, ना मेरे पापा जाएंगे, ना मेरे भैया जाएंगे, मतलब इम्पॉसिबल इन्होंने कहा था। मैंने कहा करके देखो क्या दिक्कत है, घर बदली हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसी घर में रहना। और 1.5 साल या 2 साल के अंदर में इनका घर अपने नहीं आप सर चेंज। सर ऐसे, सॉरी मैं ब्रेक कर रही हूँ। सर ने कहा था कि आप ये करो और आपको ना 8 मंथ में रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने सोचा, सर ने बहुत सारी चीजें बताई, मैंने सोचा कि सर सर अभी अभी हमें जाने हैं और हम भी सर को जाने हैं, तो फिर इतना नहीं होगा। सर के सारी बात सच हो सकती है पर ये सच नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि ना 5 महीने बाद ही सबने कहना शुरू कर दिया कि हमें कुछ अच्छा घर मिल रहा है, हम इसे चेंज करते हैं। तो मैं सरप्राइज हो गई। मैंने कहा, मैंने सारी बातों को क्रॉस किया था, सिर्फ ये कहा था कि ये वाला काम नहीं होगा, बाकी सब होगा, पर यही काम सबसे पहले हुआ। पर हम उससे निकल नहीं पाए, मतलब ऑफर तो हमें आया पर हम 8-9 महीने बाद उसको हमने चेंज करा, पर वो हो गया। और उसके लिए तो हमें ब्रीफ ही नहीं था, तो उसके लिए सबसे अच्छा थैंक्स सर के लिए। और सर ने फिर मुझे दूसरा भी बोला था, किसी भी घर में चले जाओ, बस वेस्ट और साउथ वेस्ट एंट्री मत देखना, बाकी रेमेडी हम लगा देंगे। तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बहुत फायदा करता है हमें ये वाला घर। जो भी सर ने बताया हमने वो करा है, मतलब जो हमारा ग्राफ था ना एकदम ऐसे हो गया। थैंक यू सो मच सर। आज के समय में शालिनी करोड़पति है। हाँ, सर आपकी कंग्रेचुलेशन वजह से, आपने कुछ तो रिजल्ट बताए शालिनी, हैं। थैंक कंग्रेचुलेशन यू, थैंक यू बाय सो मच सर। हार्ट, बाय हार्ट थैंक यू कंग्रेचुलेशन। मैम। बट सर ने बहुत हेल्प करी है, बहुत। मीन्स कभी कभी मुझे टेंशन होती है तो मैं, मतलब अभी तो मैं सर को कॉल नहीं करती हूँ, पर कभी मुझे प्रॉब्लम आता है और मैं सर को कॉल करती हूँ ना, तो 3-4 महीने में करती हूँ, तो जब तक मेरा उसका सॉल्यूशन ही निकलता ना, चाहे मुझे आधा घंटा बात करनी पड़े, एक सर उसको ना मेरे दिमाग से बिल्कुल एकदम, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब सर मेरा जो है, मतलब हमारी